वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोहित शर्मा के बारे में। इस वीडियो में हम आपको रोहित शर्मा की एज, एजुकेशन, करियर, लाइफस्टाइल, बायोग्राफी, नेटवर्थ, कार्स कलेक्शन और फैमिली के बारे में बताने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। रोहित शर्मा का फुल नेम है रोहित गुरुनाथ शर्मा, निकनेम है हिटमैन रो शाणा और प्रोफेशन से एक क्रिकेटर हैं। रोहित शर्मा का जन्म 30 अप्रैल 1987 में नागपुर महाराष्ट्र में हुआ और 2020 के हिसाब से ये 33 साल के हैं। और रोहित शर्मा ने अपने स्कूल की पढ़ाई स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज मुंबई से की और इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 12th स्टैंडर्ड। रोहित शर्मा सिर्फ 12th तक ही पढ़े हुए हैं। अब बात करते हैं इनके फिजिकल स्टेट्स के बारे में। रोहित शर्मा की हाइट लगभग 5 फीट 8 इंच है, वेट 72 किलोग्राम है, बॉडी मेजरमेंट है इनका 40-31-12 और आई कलर डार्क ब्राउन है, हेयर कलर ब्लैक है और नेशनलिटी से एक इंडियन है और रिलीजन से एक हिंदू हैं। अब बात करते हैं रोहित शर्मा के करियर के बारे में। रोहित शर्मा को बचपन से ही क्रिकेट में काफी लगाव था। जब वे 6 क्लास में थे तब एक क्रिकेट क्लब में ऑफ स्पिनर बॉलर के रूप में एडमिशन ले लिया। साल 1999 में रोहित शर्मा ने अंडर 12 टूर्नामेंट खेला और कुछ विकेट लिए थे, जिसके बाद उनके स्कूल के कोच दिनेश लाड ने उनकी बल्लेबाजी को देखकर उन्हें बैटिंग करने को कहा। इसके बाद रोहित ने एक स्कूल के लिए टूर्नामेंट में शतक लगाया और कोच को इम्प्रेस कर दिया और फिर 2005 में रोहित को देवधर ट्रॉफी खेलने का मौका मिला। इस मैच में वह अच्छा खासा कमाल नहीं कर पाए। इसके बाद रोहित को चैंपियंस ट्रॉफी, एनकेपी सेल ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी में खेलने का मौका मिला। डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन के बाद रोहित को 2007 में इंडियन क्रिकेट टीम में आयरलैंड के खिलाफ हो रहे मुकाबले के लिए सिलेक्ट कर लिया गया। ये मैच रोहित के कैरियर का पहला इंटरनेशनल मैच था। इसके बाद रोहित शर्मा को टेस्ट टीम में खेलने के लिए सिलेक्ट किया गया, लेकिन चोट लगने की वजह से वह खेल नहीं सके और फिर खराब खेलने की वजह से इन्हें 2011 में वर्ल्ड कप मैच से बाहर कर दिया और फिर 2013 में रोहित शर्मा ने खेलकर सबका दिल जीत लिया। रोहित ने कोलकाता के वनखड़े और ईडन गार्डन में टेस्ट सीरीज में 177 रन की शानदार पारी खेली। वहीं अपने पहले दो टेस्ट मैच में लगातार 2 शतक लगाकर छा गए। साल 2014 में श्रीलंका के खिलाफ रोहित ने वनडे में 250 रन की शानदार पारी खेली और रोहित ऐसा करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, रोहित शर्मा ने अपने आईपीएल कैरियर की शुरुआत डेक्कन चार्जर के साथ की थी और फिर बाद में वे मुंबई इंडियन के लिए खेलने लगे। अपनी कप्तानी से रोहित शर्मा ने साल 2011, 2013, 2015 और 2019 में मुंबई इंडियंस को आईपीएल ट्रॉफी दिलवाई। अब बात करते हैं रोहित शर्मा की फैमिली के बारे में। तो इनके फादर का नाम है गुरुनाथ शर्मा और मदर का नाम है पूर्णिमा शर्मा और इनका एक ब्रदर भी है जिसका नाम है विशाल शर्मा। और 2015 में रोहित शर्मा ने रितिका सजदे से शादी की, जो कि एक प्रोफेशन से एक स्पोर्ट्स मैनेजर है और इनकी एक बेटी भी है जो कि 2018 में पैदा हुई है और इसका नाम इन्होंने रखा है समायरा। अब बात करते हैं रोहित शर्मा रहते कहां पर है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, रोहित शर्मा का 4BHK अपार्टमेंट है आहूजा टावर्स में, जो कि वॉर्ली मुंबई में है और ये आलीशान दिखने में है और बहुत ही सुंदर है अंदर से भी और बाहर से भी। और ये यहाँ पर अपनी वाइफ, अपने माता पिता के साथ यहीं पर रहते हैं। अब बात करते हैं इनके कार्स कलेक्शन की। तो इनकी फर्स्ट कार है मर्सिडीज GLS 350D जिसकी कीमत है 88.2 लाख रुपीज एंड सेकेंड कार इनके पास है BMW 530i M Sport जिसकी कीमत है 59.8 लाख रुपीज एंड थर्ड कार इनके पास है लैम्बोर्गिनी उरूस जिसकी कीमत है दोस्तों 3 करोड़ रुपए एंड फोर्थ कार इनके पास है BMW M5 जिसकी कीमत है 1.54 लाख रुपीज एंड फिफ्थ कार इनके पास है टोयोटा इनोवा क्रिस्टा जिसकी कीमत दोस्तों है 23 लाख रुपए एंड लास्ट कार इनके पास है स्कोडा लोरा जिसकी कीमत है दोस्तों 16.16 लाख रुपीज। अब बात करते हैं इनकी सैलरी के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इनकी सैलरी है रिटेनर फीस के तौर पर 1 करोड़ रुपीज एंड टेस्ट फीस में ये लेते हैं 16.3 लाख रुपीज एंड ODI फीस है इनकी 6.5 लाख रुपीज एंड T20 फीस है इनकी 3.2 लाख रुपीज। अब बात करते हैं रोहित शर्मा के नेटवर्थ की। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इनका नेटवर्थ है $20 मिलियन जो कि इंडियन रुपीज में होता है 135 करोड़ रुपीज। तो ये थी रोहित शर्मा की लाइफस्टाइल वीडियो। अगर आप रोहित शर्मा के फैन हैं तो इस वीडियो को कर दे लाइक और हमें कमेंट करके जरूर बताएं नेक्स्ट वीडियो किस सेलिब्रिटी पे चाहिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें।
Runners up team, Asima.